एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं कंपेयर एंड रिव्यू करने वाली हूँ दी ऑर्डिनरी वर्सेस मिनिमलिस्ट का AHA एंड BHA पील। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल या हेल्पफुल लगेगी देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी शो यू द बॉटल्स। दी मिनिमलिस्ट की पील ऐसे दिखती है एंड ऑर्डिनरी की पील ऐसी दिखती है, एंड एज यू कैन ऑलरेडी टेल ये वाली मैंने पूरी ख़त्म कर चुकी है, एंड ऑल्सो दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल। एंड ये वाली जो है मैंने 2 महीने पहले खरीदी थी एंड आई बिन टेस्टिंग इट आउट सिंस देन। तो मैं अभी रेडी हूँ आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। सो गाइज, बिफोर गेटिंग इन टू द एक्चुअल रिव्यू लेट मी टेल यू ऑल की अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं। तो AHA जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल एसिड होते हैं, एंड BHA होते हैं वो ऑयल सोल्यूबल होते हैं। एंड दोनों ही एसिड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रूट से। एंड सबसे कॉमन एग्जांपल होगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का ग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। एंड BHA तो बस एक ही मैंने मोस्टली देखा है स्किन केयर में, वो होता है सैलिसिलिक एसिड। एंड इन सारे एसिड्स का पर्पस एक ही होता है कि आपके पोर्स को वो अनक्लॉग करते हैं, आपकी जो स्किन पर कंजेशन होती है जैसे कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह, वो सारा रिमूव कर आपकी नई स्किन बाहर लेकर आते हैं, ताकि आपकी जो भी अनइवननेस होती है आपकी स्किन पर वो चली जाए। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेटर एसिड कौन सा होता है, तो लेट मी टेल यू कोई ज़्यादा अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं होता। इन दोनों का पर्पज़ या फंक्शन अलग है एंड दोनों इक्वली इफेक्टिव होते हैं। एक और चीज़ गाइज, ये जो मिनिमलिस्ट का पील है इसमें एक और टाइप का एसिड है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड है, या PHA जिसको बोलते हैं। ये एसिड एक्चुअली सिमिलर काम करता है AHA के जैसे ही, बट ये उसका माइल्ड वर्जन है, तो आपको ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती। एंड प्लस ये एक्ट करता है एज अ ह्यूमेक्टेंट, तो आपको इससे ड्राइनेस भी नहीं होती। और चीज गाइस, अगर किसी ने भी डर्मेटोलॉजिस्ट से कभी पील कराया होगा जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड या TCA का पील वगैरह, तो उनको पता होगा कि पील करने के 1-2 दिन के बाद आपकी स्किन एकदम पील होने लग जाती है, लाइक खिंची खिंची हो जाती है, एंड वो स्किन जैसे फट जाती हो वैसे करके निकलना शुरू हो जाती है। बट ये वाले जो एट होम यूज़ वाले पील्स होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता। इट्स ओनली बिकॉज ये जो पील होते हैं ना, भले ही वो सेम कॉन्सेंट्रेशन के हो बट इनका pH लेवल काफ़ी डिफरेंट होता है। जो आपके डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उनका pH काफ़ी लो होता है जैसे कि 2 या 2.5, बट जो ये घर पे यूज़ करने वाले पील्स होते हैं इनका pH होता है 3.4 से लेकर 3.8, तो आपको इतनी ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती एंड ये एकदम हार्श या अब्रेसिव नहीं होता आपके स्किन पर। तो गाइज, मूविंग ऑन टू द रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो येस, ये दोनों आइटम्स में से ये वाला जो मिनिमलिस्ट की बॉटल है दिस इज़ ईजिली अवेलेबल इन इंडिया, वेर एज द ऑर्डिनरी ऑफकोर्स अवेलेबल तो है, बट यू नो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टम्स वगैरह पे करना पड़ता है। अगर आप beautyway.com पर जाकर देखो तो ये बॉटल एक्चुअली चीप है इंडिया के बाहर। इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 530-540 रुपीज़, एंड ऑल्सो जब इंडिया में जब ये आती है तब इसका कॉस्ट डबल हो जाता है इंक्लूडिंग द शिपिंग एंड ऑल्सो द कस्टम चार्जेस। वेर एज ये वाली बॉटल जो है वो 699 रुपीज़ की है, एंड इस पर ऑन एंड ऑफ डिस्काउंट चलते रहते हैं। मिनिमलिस्ट की वेबसाइट पे भी मिलता है एंड अमेजोन की भी वेबसाइट पे ये मिल जाता है। अब मैं बात करूँगी इन प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी के बारे में। तो जो दी ऑर्डिनरी है ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है जेल लाइक इन कंपेरिजन टू मिनिमलिस्ट, बिकॉज मिनिमलिस्ट का जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी रनी या वाटर जैसा है, तो वो ज़्यादा थिक नहीं है, तो लगाते वक्त भी काफ़ी इवनली स्प्रेड हो जाता है ये। नाउ गाइज, कमिंग टू द पैकेजिंग पार्ट, ये पार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है मिनिमलिस्ट एज अ ब्रांड के लिए, बिकॉज उन्होंने लिटरली ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट की लाइन तो कॉपी कर ही ली बट पैकेजिंग भी कॉपी कर ली थी। बट यू नो, आफ्टर अ लॉट ऑफ फ्लैक दैट दे हैव रिसीव्ड ऑनलाइन फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स, उन्होंने डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का कलर तो डेफिनेटली चेंज कर दिया है, येलो कर दिया है, जो कि एक्चुअली ऑर्डिनरी जैसा एकदम रेडी था। एंड ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे स्टैंडर्ड ग्लास बॉटल्स में आते हैं, एंड इनके साथ एक ड्रॉपर आता है जो आप इजीली यूज कर सकते हो आपकी स्किन पर ड्रॉप करके इसे लगाने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट हु ऑल कैन यूज दिस प्रोडक्ट, तो जो भी प्रेग्नेंट है, टीनेजर्स है, वो तो ऑब्वियसली इनको नहीं यूज कर सकते, एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, दे विल हैव टू टेक द डॉक्टर्स एडवाइस बिफोर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ये पील क्या होता है, कैसे काम करता है, या केमिकल एक्सफोलिएंट्स इन जनरल क्या होते हैं, प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी ये मत यूज़ करना, पहले रिसर्च कीजिए एंड ओनली देन ट्राई इट।
ऑल्सो अनदर थिंग, जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो या जिनको ड्राई पैचेज हो, एक्जीमा हो या रोजेशिया हो, बड़े बड़े एक्ने हो, प्लीज़ इसको मत यूज़ करिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जलेगा आपको अदरवाइज. एक और चीज़, जो जो लोगों को लगता है कि ये काफ़ी मिराकुलस प्रोडक्ट है या उनको ऐसा फितूर है कि यू नो ये लगाने से एक दो दिन में आपके एक्ने चले जाएंगे या एक वीक में आपके एक्ने चले जाएंगे, तो प्लीज़ यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड. डोंट ट्राई इट देन बिकॉज इट्स को वर्क करने के लिए कम से कम 4 to 6 weeks लगते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर स्किन केयर प्रोडक्ट. ये कोई एकदम चमत्कारी आइटम नहीं है, बट आपको डेफिनेटली थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस प्रोडक्ट को वर्क करते हुए देखने के लिए. ऑल्सो गाइज, आपको इसको यूज़ करने से पहले आई वुड एडवाइस कि इसको पैच टेस्ट करो. पहले थोड़ा सा आपके यू नो जॉ लाइन के पास एक डॉट कर दो एंड एक नेक लाइन के पास, एंड आफ्टर 24 आवर्स देखो कि ये रिएक्ट करता है कि नहीं. बिकॉज अगर ये रिएक्ट करता है देन दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू. ऑल्सो गाइज, दिस प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड बाय पीपल ओवर 20 इयर्स ऑफ एज, बट ओनली दोज जिनको एक्ने है, ब्लैक हेड्स है, स्कार्स है, स्पॉट्स है, या उनको जो भी स्किन इश्यूज है जिसके वजह से उनको टेक्स्चर है, वो ही लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज आपका कोई पर्पस नहीं है इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो यू कैन सिंपली अवॉइड दैट अगर आपको ये सब स्किन इश्यूज नहीं है तो. एक और चीज़ गाइज, जिन जिन लोगों ने कभी भी कोई एसिड वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है, उनके लिए स्पेशली आप लोग पहले कोई क्रीम या कोई यू नो टोनर वगैरह जिसमें कम कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एसिड ये सब चीज़ें हो, पहले वो यूज़ करके देखो कि आपकी स्किन उससे यूज टू जब हो जाती है, तभी धीरे धीरे करके ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ आपके ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स का. अदरवाइज आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगी एंड काफ़ी रेड वगैरह हो जाएगी, एंड अगर आप ये प्रोडक्ट भी खरीदोगे तो ये भी वेस्ट हो जाएगा बिकॉज आप यूज़ नहीं कर पाओगे. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो भी एकदम आइडेंटिकल नहीं है दोनों कंपनीज के. The Ordinary में 30% AHA है, जिसमें उन्होंने ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक और सिट्रिक एसिड का यूज़ किया है, एंड 2% का सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया है. एंड मिनिमलिस्ट लोगों ने यूज़ किया है 25% AHA एंड 2% BHA, जो कि है सैलिसिलिक एसिड, एंड PHA भी है उनमें 5%. एंड उनके AHA में उन्होंने यूज़ किया है ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड ऑल्सो मैंडेलिक एसिड, जो एक्चुअली ब्राउन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट करता है मोर देन एनी अदर एसिड्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट में लगाना होता है, एंड ऑल्सो इसको हफ्ते में आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ एक ही बार लगाओ. ऑल्दो इसकी पैकेजिंग पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर पाती है तो आप दो बार लगा सकते हो, बट आई वुड एडवाइस यू ऑल नॉट टू, क्योंकि वो ओवर एक्सफोलिएशन हो जाएगा. तो इसीलिए आपके फेस को आपको बस वॉश करना होता है, ड्राई करना होता है, एंड ये काफ़ी थिन एंड इवन लेयर में लगाना होता है. ऑल्दो मिनिमलिस्ट की वेबसाइट पर बताया गया है कि आपको एक थिक लेयर लगानी है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आपको बस एक पतली लेयर लगानी होती है. जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा इरिटेशन होगा, इसीलिए उसको अवॉइड करो मोटी लेयर में लगाने के लिए. एंड लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने नाक के एंड्स पर एंड अपने माउथ के एंड्स पर, ऑल्सो अपने आईज़ के नीचे उसको मत लगाना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो वो जल जाएगी. ऑल्सो गाइज, इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने, जो आपने फोड़े होंगे, पिंपल वगैरह, या आपकी स्किन कहीं से भी ब्रोकन या कट है, तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करना बिकॉज ये बहुत जलेगा वरना, और आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. एंड ऑल्सो अगर आप लगा रहे हो इसे, तो इसको 10 मिनट के बाद वॉश कर देना, उससे ज़्यादा मत एक्सीड करना. अगर एक्सीड करोगे तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी या तो बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाएगी, तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग इट फॉर मोर देन 10 मिनट्स. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट आफ्टर केयर, लगाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आपका रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाना होता है. प्लीज़ अवॉइड योर रेगुलर नाइसिनमाइड, रेटिनॉल सीरम वगैरह, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होंगे, आपको रिएक्शन हो जाएंगे स्किन पर. ऑल्सो गाइस, अगर आप हाइलोरोनिक एसिड यूज़ करते हो तो वो बेशक आप यूज़ कर सकते हो, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको, बट अगर आप लगा रहे हो एंड आपको यू नो नॉन स्टॉप जलन हो रही है, देन आई वुड एडवाइस कि इस पील को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा और पानी का सोल्यूशन बनाओ और आपके फेस पर लगा दो. बिकॉज अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो उनके पास ये वाला बना बनाया सोल्यूशन होता है जो आपके फेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो लोग लगाते हैं, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी, आपका पील न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड आपका टिंगलिंग सेंसेशन बंद हो जाएगा. बट उसके बाद डेफिनेटली उसकी आफ्टर केयर बहुत अच्छे से करना. रोज सनस्क्रीन SPF 30 से लेकर 50 तक का सनस्क्रीन बेस्ट होता है, वो हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना, वरना स्किन बर्न हो जाएगी एंड ब्लैक पैचेस हो जाएंगे. गाइस, टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट,
तो इसमें बस एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है या तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव एंड रेड हो सकती है। ऑल्सो इन सम केसेस आपको स्किन पे पर्जिंग होती है, इसका मतलब कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा एक्ने आते हैं एंड ये जो एक्ने है ना ये एक दो हफ्ते में सेटल हो जाते हैं, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग योर स्किन एक्चुअली। सो गाइज नाउ माई फाइनल थॉट्स आर कि येस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मिनिमलिस्ट बिकॉज ऑफकोर्स इट इज़ सेफ, इफेक्टिव, इट्स ईजिली अवेलेबल एज वेल एंड सिमिलरली काम करता है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है ऑर्डिनरी से काम करने के लिए, बट येस इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट, अगर आपको खरीदना है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सो गाइज दोज वर माई थॉट्स अबाउट द मिनिमलिस्ट का पील इन कंपेरिजन विद द ऑर्डिनरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये रिव्यू भी पसंद आया होगा, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, डू लीव देम इन द कमेंट बॉक्स मिलो एंड फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया एज वेल। सो आई विल सी यू इन माय न्यू वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।